मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कानपुर में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाने के चलते मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है कि अगर इन लोगों से सरकार नहीं चलाई जा रही है तो इस्तीफा दे दें। आपको बताते चलें कि कानपुर में देर रात शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह मिश्रा, एसओ महेश यादव भी शामिल हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि वो तमाम जवान और वो तमाम लोग, वो एजेंसीज जो आम लोगों की, हम सब की जानों की, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, आज उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है कि पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। जब से ये सरकार आई है, न जाने कितने अनगिनत वाकयात ऐसे हो गए जहाँ जगह जगह पुलिस पिट रही है, पुलिस के कपड़े फाड़े गए हैं, कहीं ना कहीं उनका रोब और रुतबे में बहुत ज्यादा कमी आ गई। ये वाकया जो आज रात का हुआ है, शर्मनाक है हमारे लिए भी और हमारी सरकार के लिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से प्रजातंत्र नहीं चला करते, एक जंगल राज सा हो जाएगा, और जो जिसकी मिसाल आज आप देख रहे हैं। इस जंगल राज को रोकने के लिए जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, एक पुलिस के इकबाल को बहाल किया जाए, और वो तमाम लोग जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गैंग्स बनाए हुए हैं, जो कहीं खनन कर रहे हैं, कहीं मकानों पे, दुकानों पे, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाकर इनको इनकी जगह सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हमें बहुत अफसोस है कि आज हमारा एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शहीद हो गए, और 3-4 लोग सुनने में आया है बहुत सीरियसली इंजर्ड भी हैं। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए, अगर वो इसमें सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे। बस ये बोलते